आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हैं? बजाज आमंड ड्रॉप्स, डाबर आमला, नवरत्न कूल या पतंजलि केशकांति? क्या आपने कभी अपने हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स को चेक किया है? अगर नहीं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। भारतीय मार्केट में 90% से भी ज्यादा हेयर ऑयल्स में जहरीले केमिकल्स डाले जाते हैं, जिनसे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, डैंड्रफ, स्कैल्प इरिटेशन, यहाँ तक कैंसर भी हो सकता है। ये एग्जैजरेशन नहीं होगी अगर मैं इन सो कॉल्ड हेयर ऑयल्स को टॉक्सिक परफ्यूम्स कहूँ तो। अगर आप अनजाने में इन हेयर ऑयल्स को यूज कर रहे हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नेचुरल हेयर ऑयल यूज करें ताकि बालों की प्रॉपर नरिशमेंट हो सके। सो कौन सा है बेस्ट हेयर ऑयल भारतीय मार्केट में, आइए पता लगाते हैं। मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि कौन सा हेयर ऑयल आपके हेयर टाइप और वेदर कंडीशन के हिसाब से बेस्ट सूट होगा। आइए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। इस वीडियो के लिए मैंने लगभग 20 हेयर ऑयल्स खरीदे, कुछ सुपरमार्केट से और बाकी ऑनलाइन। इन हेयर ऑयल्स के सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से परखने के बाद मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जो हेयर ऑयल्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वही सबसे टॉक्सिक भी हैं। और टॉक्सिक से मेरा मतलब है जो आपके हेयर के लिए बहुत डैमेजिंग है। इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हार्मफुल अल्कोहल्स, आर्टिफिशियल खुशबू, कॉस्मेटिक कलर, BHT, TBHQ जैसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स और पता नहीं क्या क्या डाला गया है। जबकि ऑयल एक ऐसी चीज है जो बड़ी आसानी से प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ज्यादातर कंपनियां ऐसा नहीं कर रही। मैंने इन सभी हेयर ऑयल्स को इनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1, जिसमें मोस्टली वो हेयर ऑयल्स हैं जो भारतीय जनता सबसे ज्यादा यूज करती है। इनमें कॉस्मेटिक कलर से आर्टिफिशियल खुशबू से मिनरल ऑयल से एल्कोहल, इन हेयर ऑयल्स में लगभग सभी जहरीले केमिकल्स डाले गए हैं जो आप सोच सकते हो। ऊपर से ये हेयर ऑयल्स जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से है भी नहीं। मिसाल के तौर पे बजाज का ये आमंड ड्रॉप्स ऑयल, अगर आप सोच रहे थे कि आप प्योर बादाम का तेल लगा रहे हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ऑयल में 70% लाइट लिक्विड पैराफिन है। लाइट लिक्विड पैराफिन, जो मिनरल ऑयल का ही दूसरा नाम है, ये एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है जिसमें कैंसर करने वाले हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। फिर इसमें 21% सरसों का तेल है, इंक्लूडिंग आमंड ऑयल। इससे इतना तो क्लियर है कि इसमें पक्का 21% से कम आमंड ऑयल है, और ऊपर से आर्टिफिशियल खुशबू और कॉस्मेटिक कलर्स तो डाले ही हुए हैं। और ये कहानी सिर्फ इस आमंड ऑयल की नहीं बल्कि डाबर के आमंड ऑयल की भी है, जिसमें 74% मिनरल ऑयल है और 23% से भी कम आमंड ऑयल है। डाबर आमला ऑयल में 40% मिनरल ऑयल है और साथ में रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। आमला तो बस नाम का ही डाला है, और ये तो बस शुरुआत है। ऐसे कितने ही हेयर ऑयल्स हैं भारतीय मार्केट में जिनमें मिनरल ऑयल के अलावा भी पता नहीं कितने हार्श केमिकल्स डाले गए हैं। बड़ा आसान है दोस्तों, अपने हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, और अगर उनमें इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट है तो बस उठा के डस्टबिन में फेंक दें, आपके बाल आपको थैंक यू बोलेंगे। कैटेगरी नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें है नवरत्न कूल ऑयल, डाबर का एनरिच्ड कोकोनट ऑयल, बायोटिक हेयर ऑयल और पतंजलि केशकांति, बेसिकली द सो कॉल्ड आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स। इसमें कोई डाउट नहीं कि इन हेयर ऑयल्स में आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि भृंगराज, आंवला, बहेड़ा वगैरह डाले गए हैं, लेकिन मुझे इन हेयर ऑयल से प्रॉब्लम इस बात से है कि ये हेयर ऑयल्स अपनी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं करते। थोड़े बहुत हर्बल इंग्रेडिएंट्स डालने के अलावा मेजर पार्ट बेस या एक्सीपिएंट्स में होता है, जिसके बारे में एक आम ग्राहक को कुछ भी नहीं पता चल पाता। दूसरी बात ये कि इन हेयर ऑयल्स में भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, कॉस्मेटिक कलर्स, हार्श प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि TBHQ और BHT तो डाले ही गए हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई आयुर्वेदिक हेयर ऑयल खरीदने जाएं तो अच्छे से चेक कर लें कि वो इस कैटेगरी में ना पड़ता हो। सो हमने देख ही लिया कि कैसे ज्यादातर कंपनियां अपने हेयर ऑयल्स की बस अच्छी मार्केटिंग कर रही हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऑयल्स को बड़े आसानी से प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो फिर क्या जरूरत है इन सब केमिकल्स को डालने की? पहला रीजन तो ये कि ये इंग्रेडिएंट्स बहुत सस्ते पड़ते हैं। मिनरल ऑयल अपने आप में बेहद सस्ता नॉन स्टिकी तेल जैसा पदार्थ है, जिसका ना तो कोई कलर होता है और ना ही कोई खुशबू। इस वजह से ये परफेक्ट है एडल्ट्रेशन के लिए। क्या आपको पता है कि जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी मसाज ऑयल 100% मिनरल ऑयल है? जी हाँ। फिर दूसरा, आर्टिफिशियल खुशबू और कॉस्मेटिक कलर्स तो हेयर ऑयल में सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो दिखने में अच्छे लगें। हालांकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक आर्टिफिशियल खुशबू को बनाने में 200 से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये केमिकल्स ब्रांड को डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस पे ब्रांड का पेटेंट जो होता है। और फाइनली TBHQ और BHT जैसे प्रिजर्वेटिव सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं ताकि हेयर ऑयल सालों साल तक खराब ना हो। इससे क्लियर है कि
ये हार्श केमिकल्स ऑयल मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो बहुत सही हैं, लेकिन हम जैसे कंज्यूमर्स के बालों के लिए एक जहर से कम नहीं है। सो कौन सा हेयर ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए? क्या भारतीय मार्केट में ऐसे हेयर ऑयल्स हैं जो प्योर हों, जेन्युइनली हमारे बालों को लंबा और मजबूत बनाएं? जी हाँ, पतंजलि का प्योर कोकोनट ऑयल, डाबर का कोकोनट ऑयल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, 100% नारियल का तेल। इनसे भी बेहतर चॉइस होगी अगर हम कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज़ करें, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ग्रेड हमेशा बेटर होता है। अगर आप सच में जेन्युइन बादाम का तेल यूज़ करना चाहते हैं तो डाबर का बादाम रोगन ऑयल यूज़ करें। अगर आपको हेयर फॉल है और आप प्योर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो बैद्यनाथ का महाभृंगराज तेल बहुत सही ऑप्शन है। कच्ची घानी सरसों का तेल बड़ी ईजिली अवेलेबल है भारतीय मार्केट में, ये भी आप एज अ हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। प्योर एरंड का तेल भी अवेलेबल है और बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इतने सारे ऑप्शंस में से आपको कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके बालों के टाइप पे और किस तरह के वेदर कंडीशंस में आप रहते हैं। कोकोनट ऑयल वर्सेटाइल मल्टीपर्पज़ हेयर ऑयल है जो लगभग सभी हेयर टाइप्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ड्राई डैमेज्ड और डल हेयर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। नारियल का तेल उन जगहों पे जहां ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है जैसे समुद्र के पास, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रकृति ने बड़ा सोच समझ के नारियल ऐसी जगहों में ही लगाया है। नारियल के तेल को ठंड में अवॉइड करना चाहिए, ना ही सिर्फ क्योंकि ये जम जाता है बल्कि क्योंकि ये थोड़ा बॉडी के लिए कूलिंग भी होता है। बादाम का तेल बेस्ट है अगर आपको डैंड्रफ की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको स्कैल्प में खुजली होती है तो बादाम तेल से रेगुलरली मसाज करें। अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, ड्राई हैं, तो आपके लिए सरसों का तेल बेस्ट है। सरसों का तेल हालांकि ह्यूमिडिटी वाले इलाकों में रिकमेंडेड नहीं होता बल्कि ठंडे इलाके के लिए बहुत सही है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बालों की ग्रोथ को बढ़ाना है तो एरंड का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है। रेगुलरली यूज करने से हेयर ग्रोथ 3 से 5 गुना तक बढ़ सकती है। महाभृंगराज ऑयल का आयुर्वेदिक संहिताओं में वर्णन है, हेयर फॉल के लिए तो अच्छा है ही, वैसे भी काफी मेडिसिनल है। हफ्ते में 2-3 बार मसाज करना काफी है। सो दोस्तों, ये था हेयर ऑयल्स के बारे में। मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि मैं ना किसी ब्रांड के साथ हूं और ना ही किसी ब्रांड के खिलाफ। किसी भी बेस्ट कैटेगरी में मेंशन ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया। मैंने जो भी इस वीडियो में कहा वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। इस वीडियो के थ्रू मैंने भारतीय हेयर ऑयल मार्केट की ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने रखी है। 99% हेयर ऑयल्स इन्हीं 3 कैटेगरीज में फॉल करेंगे। वैसे मुझे पता है कि आपके दिमाग में अभी भी क्वेश्चंस होंगे कि क्या यार ये ऑयल सही है, वो हेयर ऑयल कैसा है, वगैरह वगैरह। देखो, सिंपल है, कोई भी हेयर ऑयल हो उसके इंग्रेडिएंट्स को करो। अगर उसमें इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट है तो वो सही नहीं है, उस पे पैसे बर्बाद ना करना। दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करके खरीदें, ना कि ब्रांड देखकर। और ये मैं एश्योर करता हूँ कि एक अच्छा नेचुरल हेयर ऑयल यूज करने से आपके हेयर फॉल, डैंड्रफ और बाकी बालों की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आप हेयर फॉल से ऑलरेडी परेशान हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा ट्राइब्स कॉन्सेप्ट की हेयर ग्रो किट, जिसमें है 30-day miracle hair oil और organic hair wash powder। अब देखो, oil के ingredients 100% natural हैं, कोई harsh chemical नहीं। ये hair oil सच में आपके hair problems के लिए अच्छा है। Tribes concept का hair cleanser बना है आमला, रीठा, शिकाकाई और मेथी से। इसके ingredients तो 100% natural हैं ही, बल्कि कंपनी कहती है कि सभी ingredients की ratio भी बहुत सोच समझ कर डाली गई है, जिसकी वजह से ये powder काफी effective है। मुझे ये चीज़ काफी impressive लगी कि इन्होंने stainless steel packaging का इस्तेमाल किया है, जो की इफेक्टिवनेस को कम नहीं होने देती। ट्राइब्स कॉन्सेप्ट का रूट स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग हेयर मास्क, फेस ब्राइटनिंग क्लेंजर और कुमकुमादी तैलम भी आता है। ये सभी प्रोडक्ट्स 100% सेफ और नेचुरल हैं, जो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही रिकमेंडेड हैं। इन्हें खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे एट 11 AM एक Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।